हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षाई क्लासरूम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट नंबर 7, जो कि बेस्ड है नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन विद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन, एल्काइंस, एल्किनाइंस, ऑल दोज वी हैव डिस्कस इन द लेक्चर नंबर 7। इसी पे बेस्ड है असाइनमेंट नंबर 7। आई होप कि आपने प्रैक्टिस किया होगा और जो भी क्वेश्चन है उससे जो डाउट रेज होगा वो आप जो है फ्रिक्वेंटली डिस्कस कर सकते हो मुझसे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ है कि राइट द आईपीएक नोमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। जैसे हम लोग ड्रॉ करें इसको, CH3, CH2, CH2, राइट, देन CH फोर्थ कार्बन पे, और यहां से फदर आपका जुड़ा हुआ है दिस ग्रुप CH3, 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 ठीक है। यहां से CH गया है और फदर इसमें एक ब्रांच निकला है जो कि फदर ब्रांचिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्यों बोला हूं, क्योंकि इस ब्रांच के साथ में भी एक फदर ब्रांचिंग हुआ हुआ है, इस वजह से इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जा रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आती है। अब आप केस देखो कि एक चीज ये ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, उसके लिए कॉमन नेमिंग इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो कॉमन नेम को भी आप कंसिडर कर सकते हो। अगर इसको कंसिडर किया जाएगा आइसोप्रोपाइल, इसको कंसिडर किया जाएगा टर्टब्यूटाइल, ठीक है, टर्टब्यूटाइल। लेकिन जो कंसीडर किया जाता है कि जैसे बोला कि आइसो न्यू वी कैन कंसीडर फॉर अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी, आइसो को कंसीडर किया जा सकता था फॉर द अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी के लिए, ठीक है। बट हम लोग सिस्टमेटिक आईपीएक नोमेनक्लेचर के लिए जाते हैं, ठीक है। कैसे नंबरिंग जाएगी, तो यहां पे तो इसका नेमिंग क्या जाएगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपके सामने 6, 7, 8। तो इन दैट केस मैंने बोला था कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे स्टार्ट होगी। 1 उस कार्बन को देना जो डायरेक्टली पैरेंट चेन से अटैच्ड होगा, देन इसको आप 2 दे दोगे, इसको क्या पढ़ा जाएगा 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। तो डी इसका हम लोग कंसीडर करेंगे फॉर अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी के लिए, ये आपने समझा था। सिमिलरली 1 इसको दिया जाएगा, 2 इसको दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1-methyl-ethyl, 1,1 डाइमिथाइल और 1-methyl-ethyl में 1,1 डाइमिथाइल इथाइल पहले आएगा, तो ऑब्वियसली उसको पहले हम लोग मेंशन करेंगे। तो क्या हो जाएगा 4, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, इसको लिखा जाए, ये फिफ्थ पोजीशन पे है 1-methyl-1-methyl-ethyl-ethyl-octane, करेक्ट है, इतना सही जा रहे हम लोग। सेकेंड स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है, एनो दिस वन, और यहां पे एनो लगाया, ठीक है, दोनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में कंसीडर होंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन किधर से भी जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही मिल रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जिधर से भी नंबरिंग करो बात बराबर है। तो दिस इज आवर पैरेंट चेन, नंबरिंग विल बी लाइक दिस। अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, बिकॉज देखो ये तो ब्रांचिंग है ही 1, 2, और इसे फर्दर एक ब्रांच निकल गया है, ये गया 1, 2, ठीक है। इसको लिखा जाए, क्या लिखा जाएगा इस केस में, तो आप लिखोगे 1-nitroso इथाइल, लेकिन ये 2 बार आया हुआ है, तो मैंने बोला कि जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रिपीट करेगा इन दैट केस वी हैव टू यूज बिस फॉर डाई, ठीक है, ट्रिस फॉर ट्राई और टेट्राकिस फॉर 4। तो यहां पे केस इस तरीके से आएगा, बिस 1-nitroso इथाइल, बिस 1-nitroso इथाइल, देन 1-nitroso इथाइल, देन ऑक्टेन, दिस विल बी आवर करेक्ट। और भी देखते चले इसमें, अभी आई थिंक 8 कार्बन है, 2+2, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी 8 कार्बन है, देन इस तरीके से इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, दिस वन इज आवर इथाइल ग्रुप, बगल में ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, बिकॉज क्या है कि ये हाइड्रोकार्बन चेन है और इससे एक ब्रांच निकल गया, तो भी कंसीडर, दिस विल बी ऑल्सो कंसीडर एज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब देखा जाए इसको, देखो आप कैसे लिखोगे, तो नंबरिंग किधर से करें, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, दोनों तरफ से सिंपल ही है, लेकिन इधर से इथाइल आएगा, इधर से क्लोरोमिथाइल होगा, ऑब्वियसली क्लोरोमिथाइल अल्फाबेटिकली पहले आएगा, इस वजह से मैं नंबरिंग इस साइड से कर दूंगा, ठीक है, समझ में आती है इतनी बात। अब इसको क्या लिखोगे आप, 4, 1 क्लोरो भी लिख सकते हो या जस्ट क्लोरो इथाइल भी लिख सकते हो, 1-chloro-methyl, 1-chloro-methyl, करेक्ट है ना, देन
फाइव पोजीशन पे इथाइल है, फाइव इथाइल ऑक्टेन, दिस इज आवर करेक्ट नेम। सिमिलरली लास्ट केस देखो आप, इसका लास्ट केस देख लो आप, आई थिंक इसमें भी 8 कार्बन रखा गया, दिस इज आवर केस, करेक्ट ना। इसकी नंबरिंग किधर से, इधर से मुझे सब्स्टिट्यूएंट दिख जाए, इधर से दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, 1 इसको दिया जाएगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए, जो डायरेक्टली कार्बन पेरेंट चेन से अटैच है, 2 इसको जाएगा। तो क्या लिखा जाए इसको, देखो फिफ्थ पोजिशन पे है 1, 1 डाइमिथाइल इथाइल, ब्रैकेट क्लोज, 3, 4 डाइमिथाइल ऑक्टेट। एक बार मैच करा लो सभी आंसर, क्या करेक्ट है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्किन। आपको पता है कि जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट विल बी CnH2n, बिकॉज एल्केन का होता है 2n+2, एल्किन के केस में क्या हो जाएगा CnH2n। अब केस में क्या बोला है, गिव IPN नेम्स ऑफ द फर्स्ट 3 मेंबर। तो फर्स्ट 3 मेंबर में क्या होता है, पहला आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम लोग पढ़ेंगे इथीन पढ़ा जाएगा। देन नेक्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, जिसको पढ़ा जाएगा प्रोपीन। उसी तरीके से नेक्स्ट ऐसे जो है ड्रॉ करोगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या पढ़ लिया जाएगा ब्यूटीन। आप ब्यूट 1 इन भी लगा सकते हो, उसी तरीके से प्रॉप 1 इन या एथ 1 इन भी लगा सकते हो, सही वो भी करेक्ट होगा। यही हम लोगों से क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करें तो बोला गया है कि राइट द IPEC नोमेनक्लेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। फिर से करते हैं हम लोग, फर्स्ट केस में आपसे दिया हुआ है CH3, देखते हैं इसको CH3 CH double bond CH2, करेक्ट है ये। अच्छा नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द डबल बॉन्ड, क्योंकि इसको प्रायोरिटी दोगे ओवर द सब्स्टिट्यूएंट। 1, 2, 3 इसको जाएगा 4, तो 3, 3 डाइमिथाइल, 3, 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1, दिस विल बी करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। देन सेकेंड आपसे दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, समझ में आता है। अब इधर क्या करोगे आप, नंबरिंग की दिस किधर भी से करो, बात बराबर है। तो 1, 2, 3, 4 इसको क्या पढ़ा जाएगा, ब्यूटा के मैं बोला क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, इसीलिए यहां पे ई आ गया। तो ब्यूटा 1, 3 डाई। नेक्स्ट उसी तरीके से थर्ड आप कंसीडर करना, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 then CH3 double bond CH2, करेक्ट ना। अब आप करो इसमें नंबरिंग, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी बेसिस पे मिलेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसको जाएगा, क्या पढ़ा जाए, तो 2, 4, 4 ट्राइमिथाइल हेप्टेन 1 इन हो जाएगा, सही है ये। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो, ये भी सिंपल सा केस है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं ऐसे CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। केस क्या हो जाएगा इसमें आप देखो, तो 1, 2, 3, 4 ब्यूट 2 इन, सही है ना इसका नोमेनक्लेचर, ब्यूट 2 इन, दिस विल बी द करेक्ट नेम। देन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, 4 में क्या बोला है आपसे, वंस अगेन ड्रॉ द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सिंपल सा केस है, आपको जो है 2 methyl hept 3 in ड्रॉ करना है, तो हेप्ट के लिए हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, 2 methyl हो जाएगा, 3 इन दिया है, तो 1, 2, 3 यही तो होगा इसका स्ट्रक्चर।
वन टू मिथाइल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, दिस इज आवर टू मिथाइल हेप्ट थ्री। उसी तरीके से बी में आपसे मेंशन किया हुआ है 2.6 डाई मिथाइल हेप्टा 1.5 डाई। देखते हैं वंस अगेन सेम चेक, सेवन कार्बन। अब इसमें क्या बोला है कि 2.6 डाई मिथाइल, 2.6 डाई मिथाइल हेप्टा 1.4 वह हेप्टा 1.5, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 हेप्टा 1.5 डाई। सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलिंग आईपेक नेम, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिंग आईपेक नेम हेक्सा 2.4 डाई। हेक्सा किया जाए, हेक्सा मीन 6 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 देन 2.5 अगर नंबरिंग कर दे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा 2.5 डाई है, 2.5 डाई। इसको आप लीनियरली ड्रॉ करना, मैंने यहाँ पे जिगजैग मैनर में ड्रॉ किया है बट एस पी एफ डाई है तो इसको आप लीनियरली ड्रॉ करना, 2.4 डाई है। ठीक है, मैं मेरा बोलने का मीनिंग ये है कि सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी ऐसे लीनियरली ड्रॉ कर देना, बिकॉज इससे कुछ और मीनिंग भी इसका आता है, दैट इज कि यहाँ पे एक कार्बन तो नहीं एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, इसलिए मैं इसको आपसे सजेस्ट करूंगा आपको कि आप जो है इसको लीनियरली ड्रॉ करना, बिकॉज ये एस पी हाइब्रिड है ना, तो ये केस हो गया। देन उसके बाद पेंट 3 in 1 आयन, तो 5 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन, 5 कार्बन के साथ क्या दिया हुआ 1 आयन। वंस अगेन हमको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, 1 आयन है ना, 3 1 in हो गया ना, पेंट 3 in, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 in 1 आयन, करेक्ट ना। नेक्स्ट पेंट 1 in 4 आयन, पेंट 1 in 4 आयन, देखते हैं हम, तो हो गया पेंट 1 in 1, 2, 3, 4 आयन, तो 4 आयन पे आप क्या करोगे इसको कुछ इस तरीके से करोगे, तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, दिस इज आवर पेंट 1 in 4 आयन। 4 में आपको क्या दिया हुआ, इसी के फोर्थ स्ट्रक्चर में दे हैव मेंशन पेंट 1 in 3 आयन, तो कुछ इस तरीके से जाएगा, पेंट हो गया 1 in 3 आयन, तो 1, 2, 3 मैं इसको लीनियरली ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 लीनियर ड्रॉ करने का मीनिंग आप समझ रहे हो ना कि ईएसपी हाइब्रिडाइज है तो वो लीनियर चेंज होगा। केमिकल बॉन्डिंग में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इसको जो बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग कैसे कर रहे हैं, तो जिगजैग मैनर में इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये लीनियर में होगा। जनरली हम लोग जिगजैग मैनर में कर सकते हैं, डबल बॉन्ड को भी कर सकते हैं और सिंगल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग लिनियरली शो करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि सेलेक्ट द स्ट्रक्चर विद द करेक्ट नंबरिंग इन द चेन। ठीक है, तो इसको देख लिया जाए, ये देखते हैं, तो इसमें क्या दिया हुआ है, सी एस टू डबल बॉन्ड सी एच सी एस टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। अब देखो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, इधर से डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी, इधर से ट्रिपल बॉन्ड को, क्योंकि सेट्स ऑफ लोकेंट सेम है तो डबल बॉन्ड को आप प्रायोरिटी बेसिस पे नंबरिंग कर देना। क्या है नंबरिंग है क्या, नहीं, ट्रिपल बॉन्ड से किया है, तो दिस इज आवर इनकरेक्ट हुआ है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, तो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ओके, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम विच साइड, फ्रॉम विच साइड वी कैन सी द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चाहिए, बट नंबरिंग इन्होंने इस साइड से स्टार्ट किया, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सी की बात कर लेते हैं, इन द ऑप्शन सी इसको दिया हुआ है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। अच्छा, ये केस है, अगर इधर से जाते हैं देखो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है, इधर से क्या लोकेट मिल रहा है 1, 3, 6 ये मिल रहा है, लेकिन अगर इधर से जाते तो क्या मिलता 1, 2, 3, 4 1.4 मिल जाता है, यानी इसको किया इन्होंने 1.4 वाले केस को, यानी कि सी बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, तो ओनली ऑप्शन बचता है डी। तो एक बार डी को भी चेक कर लेते हैं, तो डी में क्या है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ठीक है, अब इसमें किधर से किया जाए,
तो देखो डबल वन इधर से अगर मैं कंसीडर करूं तो वन टू थ्री, थ्री मिला, वन कमा थ्री मिला, इधर से जाने पे वन टू थ्री फोर आ गया, तो ऑब्वियसली ये करेक्ट होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। क्या ये दिया इन्होंने? बिल्कुल दिया है, यानी कि इन दैट सिनेरियो डी आंसर विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर सिक्स। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेवन, इन क्वेश्चन नंबर सेवन ये इस स्ट्रक्चर का इन्होंने बोला है कि करेक्ट आईपैक नोमेनक्लेचर फॉर दिस गिवन स्ट्रक्चर सीएस थ्री, सीएस करेक्ट ना। अब देखो आप नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, सबस्टिट्यूएंट की तरफ से या डबल बॉन्ड की? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले देना है हमें, तो वन टू थ्री फोर फाइव, करेक्ट ना, वन टू थ्री फोर फाइव ये हो गया। तो इसको क्या लिखा जाएगा, फोर मिथाइल, फोर मिथाइल, फोर मिथाइल पेंट वन, ये हो जाएगा फोर मिथाइल पेंट वन। कितने कार्बन है, वन सेकेंड, ओ दिस इज सी एस टू सी एस थ्री, सॉरी सी एस टू सी एस थ्री। दैट मिस्टेक यू कैन डू, लाइक आई एम डूइंग दिस मिस्टेक, यू कैन ऑल्सो डू, लाइक दे हैव शॉर्ट इन द इथाइल ग्रुप सी एस टू सी एस थ्री, यू हैव गिव फॉर द लॉन्गेस्ट फाइव एंड द सिक्स, करेक्ट ना, फाइव एंड सिक्स, तो बट क्लियरली यू हैव टू सी द लॉन्गेस्ट, दिस इज आवर इनकरेक्ट, दिस इज आवर इनकरेक्ट, फोर मिथाइल हेक्स हेक्स वन इन, इज देयर एनी ऑप्शन, इज देयर, क्लियरली वी कैन गो फॉर द ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर एट, we have to draw the structure, correct structure of 3 ethyl, 3 2 ethyl 3 methyl hexa 1 comma 4 diene, theek hai, this is our hexa, to main numbering kar deta 1 2 3 4 5, correct na, now we have to put 2 ethyl, we have to put 1 2 3 4 5 6, we have to put 2 ethyl, 2 ethyl, 3 methyl, 3 methyl, hexa 1 comma 4, hexa 1 comma 4, this is our correct structure, is there any structure is there, clearly आप देख सकते हो इसमें option C। question number 9 देखें, तो in that case बोला है IPAC nomenclature of the compound, ठीक है, इस case में CS3, question number 9, CS3 is CS2, CS2, then CS2, CH, CS3, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, CS से फर्दर ब्रांचिंग हुई है, ये हो गया CS, CS3, CH, CS3, लाइक दिस, CS2, CS3, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, then CS2, CS3, CS3, and CS3, लाइक दिस। अच्छा तब क्या करेंगे इस केस में, इस केस में हम लोग अप्रोच कैसे जाएगा, तो हम लोग को सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन को कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो एक हम लोग जा सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक तो ये पॉसिबल है, उसके अलावा इसको कंसीडर किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी सेम कारण है। अच्छा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखा जाए तो 1 2 3 4 इसमें वाले, इस वाले चेन में 4 आ रहा है, अगर मैं इसको लेता हूं 1 2 3 4, तो इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ये, एक सब्स्टिट्यूएंट ये, एक कंप्लीट सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि टोटल 3 सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि हमारा जो पैरेंट चेन है ना ये हो जाएगा, इस केस में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पैरेंट चेन ही हो जाएगा। अब नंबरिंग कहां से जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में क्या करते हैं कि जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होता है ना, इसको मैं 1 दे देता हूं, इसको 2 और इसको 3 कंसीडर कर लूं। अच्छा आप नेमिंग किया जाए इसको, ये तो रहा ट्राई मिथाइल, मिथाइल नेम आ रहा है, और इस केस में क्या आ रहा है, इस केस में 1 मिथाइल प्रोपाइल आ रहा है, तो मिथाइल ऑब्वियसली पहले लिखा जाएगा, इसको मैं क्या लिखूंगा 2 कमा 2 कमा 5 2 कमा 2 कमा 5, ट्राई मिथाइल 2 कमा 2 कमा 5 2 कमा 2 कमा 5, ट्राई मिथाइल इसको नेमिंग किया जाए, तो फोर्थ पोजिशन पे क्या है, फोर्थ पे 1 मिथाइल प्रोपाइल प्रोपाइल, फोर्थ पोजीशन पे है 1 मिथाइल प्रोपाइल, क्या हो जाएगा, कितने कार्बन एटम है, टोटल 9 है, इसको लिखा जाएगा नॉन, आई थिंक ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है,
बट इन्होंने शायद क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मिस्टेकली सी ऑप्शन दिया है. सी इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो कुछ इन्होंने ग्रुप दे रखे हैं सब्स्टिट्यूएंट, और इस सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग बताना है. पहला केस आप देखना, ए सी एच सी एस थ्री सी एस थ्री. क्या बोला गया कि जो पेरेंट चेन से अटैच कार्बन है ना उसको आप 1 दे देना, इसको 2 दे दिया. लॉन्गेस्ट चेन के लिए फिर प्रोसीड करेंगे. क्या लिख दिया जाए, इसको 1 मिथाइल, इथाइल करेक्ट नेम, 1 मिथाइल इथाइल. नेक्स्ट आप देख लो ऑप्शन बी में सी एच, इसके साथ सी एस थ्री ग्रुप जुड़ा हुआ है. ये नेम बोला कि विच आर द करेक्ट, इथाइल मिथाइल इज करेक्ट. यहाँ पे ये करेक्ट है, इथाइल मिथाइल दे हैव गिवन, दैट इज करेक्ट. मिथाइल इथाइल विल बी करेक्ट, दिस दे हैव गिवन इथाइल मिथाइल, दिस इज इनकरेक्ट. करेक्ट ना. देन सी एस टू सी एस थ्री, ये कैसे जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 क्या हो जाएगा आपका, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल. सही है, बिल्कुल ये वाला सही था. सी का केस देख लेते हैं, तो सी एच सी एच सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री हो जाएगा आपका 1 2 3, तो 1, 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल. बस इस केस में क्या दिया हुआ है, 2, 3 डाइमिथाइल प्रोपाइल, दैट इज इनकरेक्ट. यानी कि सी हम लोग का ऑप्शन में इनकरेक्ट है. ठीक है, तो बी अभी तक करेक्ट हुआ है. डी देख लेते हैं, डी में आपको क्या दिया हुआ है, इन ऑप्शन डी दैट इज सी एच टू सी एच सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री एंड सी एस थ्री. ठीक है, इसको नंबरिंग दिया जाए 1 2 3 4, हो जाएगा 2, 3 डाइमिथाइल ब्यूटाइल. आई थिंक दे हैव गिवन दिस वन ब्यूटाइल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. डी. ई के बारे में बात करें, ई क्या दिया हुआ है, डबल बॉन्ड सी एच सी एस थ्री. हम लोग को पता है कि जब वैलेंसी दो वैलेंसी फ्री हो जाए सेम कार्बन से, तो इसको पढ़ा जाएगा इथाइली डी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इथाइलिडीन दे हैव गिवन. एफ की बात कर ले तो सी डबल बॉन्ड सी एच टू, दिस इज सी एस थ्री. 1 दोगे जो पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच होगा, 2 इसको जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा 1 मिथाइल एथिनाइल, क्योंकि एथिन का सब्स्टिट्यूएंट है तो एथिनाइल हो जाएगा. जी की बात कर ले, जी में यानी कि ये करेक्ट है, 1 मिथाइल 2 मिथाइल दे हैव गिवन, दैट इज इनकरेक्ट, 2 मिथाइल दे हैव गिवन. सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, दैट इज इथेनाइल दैट इज ऑल्सो करेक्ट. जी इज ऑल्सो करेक्ट. जी के बाद एच बात करें तो इसको क्या लिखा जा सकता है, सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, क्या लिखोगे, 1 2 3, तो प्रॉप 2 इनाइल या 2 प्रोपिनाइल आर 2 प्रोपिनाइल, बोथ आर करेक्ट, 2 प्रोपिनाइल बोथ आर करेक्ट. ठीक है, एच के बाद लास्ट जी दे हैव गिवन, एच आई आई दे हैव गिवन सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, दैट मीन्स प्रॉप, इसको नंबरिंग कर दो 1 2 3 प्रॉप 2 आयनाइल. यानी कि देख लो, दिस इज ऑल्सो आई थिंक प्रॉप 1 आयनाइल दे हैव गिवन, 1 आयनाइल मीन्स दिस इज इनकरेक्ट. कितने करेक्ट हो गए, तो 1 दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट, 2 3 4 एंड आई थिंक दिस वन एच इज ऑल्सो करेक्ट. तो टोटल 5 आर करेक्ट इन दिस केस. नंबर 11 जो आपसे पूछा हुआ है कि करेक्ट आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज, देखा जाए तो स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देता हूं. सी एस थ्री हो गया आपका, यहाँ पे सी एच सी एस टू सी एस थ्री लाइक दिस केस है, वैसे यहाँ पे सी एच सी एच सी एस थ्री सी एस थ्री हो गया एंड यहाँ पे आ गया सी एच टू सी एस थ्री. सही है, इतना बात समझ में आता है. अब देखो आप कि इसको नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग सच दैट कि हम लोग का लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो. लॉन्गेस्ट चेन क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 से हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 से भी हो सकता है. तो ठीक, 6 में आप कंसीडर किया जाए किसको लिया जाएगा, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो ले लिया. आप देख सकते हो तो 1 2 3 4 5 6 में इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या मैं इसको पेरेंट चेन ले सकता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी आवर पेरेंट चेन. अच्छा, नंबरिंग किधर से किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग जाएगी. अब लिखते हैं इसको,
पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आएगा ये थ्री इथाइल देखें, देन टू कमा फोर डाइमिथाइल हेक्सेन, दिस इज आवर करेक्ट टाइप एक नोमेनक्लेचर कोई दिया इसमें ऑप्शन थ्री इथाइल 2.4 डाइमिथाइल हेक्सेन, क्लियरली वी कैन सी ऑप्शन थर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है, एंड दे हैव मेंशन फोर्थ आल्सो थ्री आइसोप्रोपाइल, दैट आल्सो वी कैन कंसीडर बिकॉज इफ यू टेकिंग दिस इज द पेरेंट चेन देन वी हैव टू करेक्ट दिस ऑप्शन, वी हैव टू करेक्ट दिस बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू बी आवर लॉन्गेस्ट चेन, वी आर टेकिंग दिस लॉन्गेस्ट चेन ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, दे हैव मेंशन थ्री आइसोप्रोपाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, आई थिंक दैट इज इनकरेक्ट, यू कैन करेक्ट क्वेश्चन फॉर द क्वेश्चन नंबर 11, थ्री ऑप्शन थ्री विल बी मोर अप्रोप्रिएट, क्वेश्चन नंबर 12, दे हैव मेंशन विच आईपीएक नेम इज इनकरेक्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड, देखते चलते हैं करते चलते हैं तो आइडिया आपको लग जाएगा, फर्स्ट देखना आप, फर्स्ट इसमें फर्स्ट क्या दिया हुआ है CH3CH double bond CH CH2C, करेक्ट ना, अच्छा नंबरिंग किधर से स्टार्ट करोगे आप, जिधर से डबल बॉन्ड पहले दिख गया, दोनों साइड से डबल बॉन्ड इक्वी डिस्टेंस है तो फिर सब्सट्रेंट की तरफ से स्टार्ट कर दोगे 1, 2, 3, 4, सही है, बात समझ में आती है, तो जो है ये हो जाएगा 1 chloro 1 chloro but 2 in 1 chloro but 2 in, आई थिंक दैट इज करेक्ट, सेकेंड की बात कर ले, सेकेंड केस दे हैव मेंशन लाइक दिस, सेकेंड केस देखो आप, दिस वन इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH2 CH2 भैया, ओके नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी, इधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लिस्ट लोक एंड मिले, इधर से मिल रहा है 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, इसको क्या पड़ा जाएगा 4 ब्रोमो देन ब्यूट 1 आयन, ठीक है ब्यूट 1 आयन, आई थिंक दे हैव मेंशन ब्यूट 1 आयन, दे हैव मेंशन 3 आयन, दैट इज आई थिंक दैट इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट, थर्ड फोर्थ भी देखते चलते हैं, थर्ड में आपसे दिया हुआ है CH3 CH double bond CH CH double bond CH2, करेक्ट ना, तो नंबरिंग होगा 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस, व्हाट वी कैन राइट, वी कैन सिंपली राइट पेंटा 1, 3 डाइन, पेंटा 1, 3 डाइन, सिमिलरली ऑप्शन 4 आप टेक लाइक दिस वन CH3 CHBr, ठीक है CH2 CL CL CH3, करेक्ट ना, नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, जिधर से सबसे ज्यादा सब्सट्रेंट दिख जाए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है नंबर ऑफ सब्सट्रेंट इधर से 2, इधर से उसी पोजीशन पे 1 मिलता, इसको क्या लिखा जाएगा 4 ब्रोमो 2.2 डाइक्लोरो 4 ब्रोमो 2.2 डाइक्लोरो पेंटेन, ठीक है सही जा रहे हैं हम लोग, इतना आई थिंक फोर्थ इज करेक्ट, हम लोग ऑलरेडी ऑप्शन जो है बोल चुके हैं, सेकेंड इज इन करेक्ट बिकॉज ब्यूट 1 आयन की जगह 3 आयन दिया हुआ है, तो वी कैन कंसीडर ऑप्शन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 13 वी गोइंग टू सी, 13 में आपसे क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट नंबरिंग, देखते हैं किस में इनकरेक्ट नंबरिंग हुआ है, वन बाई वन आप कंसीडर करना, ठीक है वन बाई वन आप कंसीडर कर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओनली ना, दे हैव गिवन डाउट, तो अगर लोकेंड सेम है, फिर से मैं रिपीट कर दूंगा कि अगर सेट्स ऑफ लोकेंड्स सेम हो गया तो वी हैव टू प्रीफर द डबल बॉन्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड, वैसे तो प्रायोरिटी नहीं है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, बट इफ देयर इज सेट्स ऑफ लोकेंड इज सेम, जैसे इधर से जाओगे तो इसको 1 मिलेगा इसको 5 मिलेगा, इधर से जा रहे तो इसको 1 मिला इसको 5, देन वी हैव टू प्रीफर द डबल बॉन्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड, तो आई थिंक दिस इज करेक्ट वनली, सेकेंड आप देखो, सेकेंड को भी कंसिडर करना, क्या नंबरिंग गया इधर से डबल बॉन्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या ये करेक्ट है क्या, नहीं नंबरिंग तो स्टार्ट कहां से होगा, जहां से डबल बॉन्ड पहले शुरू हो रहा होगा, इसको 1 दोगे इसको 2 दोगे, करेक्ट नंबरिंग क्या होगा, इसका करेक्ट नंबरिंग अगर मैं ड्रॉ करूं दिस विल बी लाइक दिस वन 1, 2, 3, 4, 5, 6,
बिकॉज इधर से मुझे ट्रिपल बॉन्ड दिख गया ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि डबल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड में ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं है यहाँ जब तक ये वाला केस हमारे सामने नहीं दिखता है। ठीक है, तो इधर से नंबरिंग ये करेक्ट है, यानी कि जो ये नंबरिंग है ना ये आपका इनकरेक्ट है। थर्ड केस में देख लो, थर्ड केस करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इनसे में आपसे इनकरेक्ट ही पूछा था। ठीक है, तो यहाँ देख लो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अच्छा, इस साइड से हम लोग को ज्यादा अनसैचुरेशन मिल रहा है तो डबल बॉन्ड को तो मिनिमम मिलना ही चाहिए 5-6 में। आई थिंक दिस इज करेक्ट। उसी तरीके से फोर्थ कंसिडर कर लो आप। फोर्थ में क्या दिया हुआ है आपको, तो फोर्थ में ऐसे कुछ दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, 1, 2 देन 3, 4 और फिर बाद में इन्होंने 5, 6 सही है इधर से, क्योंकि आप देखोगे तो लोकेंड मिल रहा है 1, 3, 6 इधर से जाते तो 1, 2, 3, 4 मिलता, 1, 4, 6 मिलता, ये इनकरेक्ट हो जाता। तो आई थिंक फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा था। वॉट वी कैन कंसिडर, ये सेकेंड वाला जो आंसर है दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर इन दिस केस। उसी तरीके से इन क्वेश्चन नंबर 14 अगर देखा जाए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, आईपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पहले तो इसको ड्रॉ करो, आप क्लियरली ड्रॉ करो CH3, इसके साथ में 2 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है सेकेंड कार्बन से, एंड देन CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इधर से नंबरिंग जाएगी, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी बेसिस पे देंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 करेक्ट है ना, सही जा रहे हैं हम लोग। तो 4, 4 डाइमिथाइल पेंट वन ई है क्या ऐसा कोई नेमिंग, देख लो आप 4, 4 डाइमिथाइल पेंट वन ई, क्लियरली आप देख सकते हो 14 के लिए फोर्थ वन विल बी करेक्ट। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है आपको, कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना रखा है इन्होंने, ध्यान से देखना लाइक दिस। अच्छा, किधर से नंबरिंग करें, जिधर से डबल वन को लिस्ट लोकेंड मिले, इसको मैं ले सकता हूँ क्या 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या नेमिंग हो जाएगा, 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो तो 3 मिथाइल 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 4 ब्रोमो 3 मिथाइल कितने कार्बन है, पेंट 2 है, कोई ऑप्शन इसमें देखो आप 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 क्लियरली आप देख सकते हो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक लास्ट क्वेश्चन कर ले इसका, क्वेश्चन नंबर 16 देखना ध्यान से, ये बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बनाया ब्रोमीन अटैच कराया और यहाँ से ये ग्रुप अटैच है। अच्छा, हम लोग को पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन विच कॉन्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसेचुरेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सट्रेट। तो कैसे जाया जाए, 1, 2, 3 अगर इधर जाते हो तो 4 पे लिमिट हो जाएगा, इधर जाओगे तो 5 जाएगा। अच्छा, इसको क्या लिखा जाए, 5 ब्रोमो और इसको क्या लिखा जाएगा, थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो इथाइल, कोई है ऑप्शन ऐसा, कोई है ऑप्शन 4 ब्रोमो देख लो आप 3, 1 ब्रोमो मिथाइल देख लो आप 3, 1 ब्रोमो मिथाइल देन आई थिंक 5 ब्रोमो है, तो 5 ब्रोमो विल कम फर्स्ट ना, ब्रोमो विल कम फर्स्ट। ठीक है, इससे पहले आएगा ना ब्रोमो मिथाइल से, तो ब्रोमो पहले आएगा, तो 5 ब्रोमो 3, 1 ब्रोमो मिथाइल क्या हो जाएगा इस केस में, पेंट वन इन दिस इज विल बी करेक्ट, पेंट वन इन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ले लिया आप देख सकते हो 16 के लिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो दिस इज असाइनमेंट नंबर 7, फिर से आप प्रैक्टिस करो, जहाँ पे डाउट है दोबारा इस वीडियो को जो है रोक कर देखो आप जो है उसमें कि कहाँ पे आपने एरर किया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स।